उसने अन्य महिलाओं के साथ शारीरिक उत्पीड़न, मेरे साथ भी शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक रूप से टॉर्चर करता है ये वैशी दरिंदा। ये हवस का पुजारी महिलाओं के साथ अपनी हवस बुझाता है। कपड़ों की तरह बीवियां बदलने वाले पूर्व मंत्री के विरुद्ध 3 तलाक का मुकदमा दर्ज हो गया है। पूर्व मंत्री की 6वीं शादी करने के बाद पहली पत्नी थाने पहुंच गई। पूर्व मंत्री पर पहले भी यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं और वो जेल भी जा चुके हैं। आगरा के मंटोला निवासी पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की 4थी पत्नी नगमा का कहना है कि चौधरी बशीर से उनकी शादी 2012 में हुई थी। शादी के बाद उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया, उसके बाद कई बार जबरन दुष्कर्म किया गया। इस मामले में चौधरी बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें वह 23 दिन जेल में रहकर भी आए थे। चौधरी बशीर पर आरोप लगाने वाली नगमा ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिसमें उसने पूर्व मंत्री पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सभी लोगों को मेरा सलाम, मेरा नाम नगमा है, मैं यूपी आगरा जिले की रहने वाली हूँ। मैं अपने पूरे होशो आवास में अपनी वीडियो फेसबुक ट्विटर पर अपलोड कर रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं उसी वैशी दरिंदे की पत्नी हूँ चौधरी बशीर की। सन 2013 से मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है और मेरे साथ काफ़ी जुल्म हुए हैं, काफ़ी जुल्म होते आए हैं। मैं सब सहती रही कि आखिरकार ये आदमी है, सुधर जाएगा, लेकिन वो आदमी नहीं है, वो एक हैवान है। उसने मुझसे पहले भी कितनी महिलाओं की ज़िंदगियां ख़राब करी हैं। उसने अन्य महिलाओं के साथ शारीरिक उत्पीड़न, मेरे साथ भी शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक रूप से टॉर्चर करता है ये वैशी दरिंदा। ये हवस का पुजारी महिलाओं के साथ अपनी हवस बुझाता है। आखिर ये कब तक ऐसा करता रहेगा, कब तक? मेरे 2 बेटे हैं इससे और मैं 3 साल से अपने मायके में रुकी हुई हूँ। ये अय्याशिया पे अय्याशिया कर रहा है। 3 साल से मैं अपने मायके में हूँ, वो मेरा विवाद चल रहा है इससे कोर्ट में। और अभी COVID-19 की वजह से जज नहीं बैठ रहा है, तो इसी वजह से मुझे इंसाफ़ नहीं मिला। लेकिन मुझे अपने ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। और हमेशा सच्चाई की जीत होती है और झूठे का मुँह काला होता है। अभी फ़िलहाल में एक न्यूज़ आई कि 23 जुलाई को बशीर शादी करने जा रहा है और ये खुद भी बोल रहा है कि हाँ मैं शादी करूँगा, शादी करने जा रहा हूँ। ये उस महिला से शादी करने जा रहा है जिसका अभी तक तलाक नहीं हुआ है। वो महिला कौन है मैं बताती हूँ आपको। एक कुरैशी नाम का शख्स इसके यहाँ काम करता है, वो इसका नौकर है। उस नौकर की बहन के साथ ये शादी कर रहा है और उसकी बहन की शादी पहले कुरई में हुई थी फरहान नाम के लड़के के साथ। अभी तक इसका तलाक भी नहीं हुआ है और उससे एक बेटा भी है पहले आदमी से। और ये कैसा हरामकारी काम कर रहा है। ना तो इसने मुझे भी तलाक दिया है। उस शख्स का नाम मिसबा है जो अपनी बहन का निकाह कर रहा है इसके साथ में। क्या ये निकाह सही है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर इसके निकाह में किसी ने भी इसका निकाह, चाहे काजी हो चाहे मौलाना, किसी ने भी इसका निकाह किया तो मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास लखनऊ भी मिलूँगी। मैं उनसे अपने लिए मदद मांगूँगी कि मेरी मदद करें और मैं शासन प्रशासन से भी हाथ जोड़ के मदद की गुहार लगाती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। और समाज के लोगों से भी कि ये भी मेरा साथ दें और मेरी मदद करें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आखिर ये दरिंदा कब तक लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करता रहेगा? ये कब तक अय्याशियाँ करता रहेगा? ना तो ये घर में किसी को छोड़ रहा है ना बाहर छोड़ रहा है। कब तक महिलाएं ऐसे दरिंदों से दबती रहेंगी, कब तक? आज एक नगमा आवाज़ उठा रही है, यानी कितनी नगमाएँ दबी पड़ी हुई हैं दरिंदों के हवाले। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि मेरा साथ दें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी बहन को इंसाफ दिलाएं। जय हिंद। नगमा का कहना है कि वो 3 साल से अपने मायके में रह रही है। चौधरी बशीर के साथ उसका कोर्ट में मामला विचाराधीन है। 23 जुलाई को उसे पता चला कि चौधरी बशीर एक बार फिर से शादी करने वाला है, तो वो उसके पास गई, लेकिन वहाँ उसे 3 बार तलाक तलाक बोलकर भगा दिया गया। नगमा का कहना है कि 6वां निकाह उसने शाइस्ता नाम की महिला से किया है, जो कि पहले से ही शादीशुदा है और उसका अभी तक अपने पति से तलाक भी नहीं हुआ है। पीड़िता के मुताबिक 2003 में चौधरी बशीर ने कानपुर की विधायक गजाला के साथ विवाह किया था।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दोनों का निकाह कराया था। इसके बाद दोनों बीएसपी से समाजवादी पार्टी पहुंच गए। दोनों का एक बेटा भी है, जिसके बाद दोनों में तलाक हो गया। नगमा ने बताया कि दूसरी शादी उसने गिन्नी कक्कड़ से हिंदू रीति रिवाज से की थी, तीसरी शादी दिल्ली की तरन्नुम से की और चौथी शादी उसके साथ की, पांचवी शादी रूबीना नाम की महिला से की, अब छठवीं शादी एक बार फिर से उसने कर ली। थाना मंटोला प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पूर्व मंत्री के खिलाफ मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 3 तलाक के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।